अब देखिए जो पहलवान है जंतर मंतर पर 16 दिनों से देखिए वहीं पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीच में देखिए हाथापाई भी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने देखिए काफी जो पहलवान है जो उनके समर्थन जो वहां पे आए थे उनसे हाथापाई भी की थी, घसीटा गया था उन्हें, जिसके देखिए जो कांग्रेस है चाहे आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए या भारतीय किसान यूनियन लीजिए, सबने इसकी कड़ी निंदा की थी। और तो और देखिए अब जंतर मंतर पर किसान जो है वो पहुंचने लगे हैं और किसानों के जरिए जो पहलवान है उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह और भाजपा की सरकार को अब 72 घंटे के यानी कि 3 दिन का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया है और ये बोला गया है कि अगर 3 दिन में यानी कि आज 9 है तो 10 11 12 यानी कि 12 तारीख को ठीक 12 बजे सुबह के 12 बजे तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर ब्रजभूषण के खिलाफ योगी सरकार क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सांसद है या फिर मोदी केंद्र सरकार ले लीजिए या जो भाजपा की सरकार है उसने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया या फिर कह लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह की सदस्यता को निलंबित नहीं किया गया तो देखिए कि यहाँ पर जंतर मंतर पर पूरे भारत से किसान पहलवान जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और तोड़ देखिए दिल्ली का घेराव किया जाएगा। ये अल्टीमेटम देखिए राकेश टिकैत और पहलवानों ने मिलकर जो है वो भाजपा को दिया है, ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया है कि वो खुद ही देके सरेंडर कर दे। अब क्यों ऐसा दिया, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो इसकी छानबीन कर रही है। 2 FIR पोस्को एक्ट में देखिए लिखी गई है जिसमें अभी तक देखिए कुछ खास हमें बढ़ता हुआ कदम नहीं दिखाई दिया दिल्ली पुलिस का, क्योंकि जो पहलवान है उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये थोड़ा देखिए ताज्जुब वाली बात है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो किसान यूनियन है जो राकेश टिकैत का किसान यूनियन है अलग अलग तरह से जो किसान यूनियन आए हुए हैं वो इस अल्टीमेटम के बाद क्या करते हैं, क्योंकि 12 तारीख तक अगर नहीं हुआ फिर दिल्ली का क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्पोर्ट्स।